नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है तने क्योर बाय नेचर में। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपके आपके जो बीमारियां हैं उनका सॉल्यूशन, उनके बारे में नॉलेज और उनके बारे में आपका जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेके फिर से आपके साथ हैं। आशा करता हूँ कि इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ अपनी बीमारी समझने और इलाज कराने में मदद मिले। जी सर, थायराइड की बीमारी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन मानी जाती है। हर घर में कोई ना कोई थायराइड का पेशेंट मिल ही जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर लो कैटेगरी में रहता है, तो मैं भी उसमें से एक थी, इसलिए मैं खास करके पर्सनल भी है ये क्वेश्चन मेरा कि क्या थायराइड और लो ब्लड प्रेशर कनेक्टेड हैं? अगर हैं तो इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए? बिल्कुल, देखिए थायर आपको इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा डीप में दूंगा क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं और आप इसके पीछे का साइंस समझेंगे तो शायद इसका इलाज लेने में आपको काफी आसान होगा। थायराइड क्या होता है? हमारी बीएमआर को कंट्रोल करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन कितना ब्लड में जा रहा है, कौन कौन से बायोसेंसेस होते हैं, तो उसका एक रेगुलेटर है जिसको बोलते हैं थायराइड। जो हमारी यहाँ पे ग्रंथि होती है यहाँ से रिलीज होता है थायराइड। इसका कंट्रोल करने के लिए दो तीन प्रकार के अलग अलग थायराइड के प्रिकर्सर्स रिलीज होते हैं और वो प्रिकर्सर्स जो है थायराइड को फाइनल जो प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन, तो ये बीएमआर को कंट्रोल करता है। और बीएमआर अगर कम होगा, एक सिंपल साइंस है, अगर बीएमआर कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, अगर बीएमआर हाई है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। मतलब इसका एक ऑप्टिमम लेवल होना जरूरी है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है लेकिन बीएमआर भी एक मेजर फैक्टर है। अब जो जो चीजें बीएमआर को कंट्रोल करेंगी वो चीजें ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेंगी और हमारी बाकी ह्यूमन हमारी जो एक्टिविटीज को करेंगी। जैसे मान लीजिए किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसको पसीना बहुत चुएगा, बहुत पसीना आएगा, हमेशा गुस्सा गुस्सा वाला रहेगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा, उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा, है ना, उसके एड्रेनल हार्मोन हमेशा बढ़ा रहेंगे, वो चिड़चिड़ा रहेगा और हो सकता है वो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो या गुंडागर्दी मारपीट भी करने लगे। तो कैसा, सिर्फ एक थायराइड बढ़ा हुआ आपको किस किस चीजों की तरफ प्रमोट कर सकता है? तो हमको ये देखना पड़ेगा क्या थायराइड लो ब्लड प्रेशर को प्रमोट करता है क्या। तो जिस जो हाइपोथायराइड है, जो थायराइड की गोली लेते हैं थायरोनॉन 75, 50, 100, 125, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, थायराइड की हार्मोन की कमी होती है। अब मान लीजिए एक्चुअल में जितना हार्मोन का गोली चाहिए था उतना डोज नहीं चल रहा है। मान लीजिए उसको 125 चाहिए, वो 75 भी ले रहा है, तो उस समय क्या होगा, उसको एक्चुअल में जितना थायराइड हार्मोन चाहिए था उसकी बॉडी बना नहीं पा रही थी, लेकिन हम जो बाहर से दे रहे थे मान लीजिए वो भी अमाउंट कम है, तब पेशेंट में हाइपोथायराइड के सिम्टम दिखने लगेंगे। अब हाइपोथायराइड के सिम्टम कौन कौन से होते हैं? हाइपोथायराइड के सिम्टम में होते हैं ब्लड प्रेशर लो होना, ये एक हाइपोथायराइड का भी सिम्टम। चमड़ियों की बीमारी, ये भी हाइपोथायराइड के सिम्टम है। किसी काम में मन ना लगना, हेडेक होना, ठीक है, बोलते ना शरीर में जान नहीं है, थका थका महसूस करो, ये हो सकता है आपके हाइपोथायराइड के वजह से हो। अगर आप क्लिनिकली हाइपोथायराइड डायग्नोस हो गए हैं और मान लीजिए आपने सडन दवाई एकदम अपने से कम कर दिया, तब आप लो ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। दूसरा, हो सकता है आपको दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सोडियम बैलेंस कम हो रहा है, फिर सोडियम सॉल्ट डिसबैलेंस चल रहा है बॉडी में, उस समय ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब यहीं पे गड़बड़ी होती है कि भाई थायराइड की वजह से लो ब्लड प्रेशर है कि हमारा सॉल्ट इनटेक या सॉल्ट डिसबैलेंस है बॉडी के अंदर, या फिर आपका किडनी फंक्शन डिमिनिश है, या फिर आपका लीवर फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको थायराइड है तो ये मान के चलिए कि आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऐसे केसेस में दो तरीका है, या तो हम थायराइड को ही ठीक कर दें और जब तक वो ठीक नहीं हो रहा तब तक ऑप्टिमम लेवल जो मेडिसिन का है वो दें, फिर पेशेंट को हम ऐसी डाइट पे रखें जिससे थायराइड का ट्रीटमेंट हो और थायराइड फंक्शन बढ़े, हमारा बॉडी खुद ही थायराइड बनाने लगे, ऐसे फूड पे रहें, तो उससे क्या होगा, जो दवाई का डोज है वो क्लिनिशियन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो धीरे धीरे कम करेगा। किसके बेसिस पे, कि उसका टीएसएच कितना है और थायराइड हार्मोन एक्चुअली जो बॉडी चाहिए वो ऑप्टिमम लेवल अगर कम डोज पे मेंटेन हो पा रहा है तो। दूसरा, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका किडनी फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर किडनी फंक्शन गड़बड़ होगा, सॉल्ट डिसबैलेंस होगा, तो बीपी फॉल होगा ही होगा, पहला। तीसरा, आपका डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, आप वाटर इनटेक कम लेते हैं,
ठीक, या फिर आपको डायबिटीज है, तो उसमें डायबिटीज में क्या होता है, आपको बार बार यूरिनेशन आती है, जिसको जिसके वजह से बॉडी में जो सॉल्ट है वो क्या होता है, निकल जाता है यूरिन के माध्यम से, क्योंकि बार बार यूरिन आता है, उसके वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन ये मैंने अपने को क्लिनिकली बकायदे ऐसे असिस्ट करना पड़ेगा, क्या पेशेंट को डायबिटीज भी है, क्या पेशेंट को डायबिटीज प्लस हाइपोथायराइड है, क्या पेशेंट को डायबिटीज हाइपोथायराइड और किडनी डिजीज तीनों है। पहला, इन सब चीजों से ब्लड लो ब्लड प्रेशर का लेना है, लेना देना है। तीसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो उस समय क्या होता है, डॉक्टर आपको एक दवाई दवाई चलाता है, फिरोसामाइड जिसको बोलते हैं डाइटर, उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी से हम लोगों को पानी निकाल देता है, बॉडी से पानी निकल जाता है, तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। लेकिन यहीं पे एक दूसरा साइड इफेक्ट है, अगर वो ओवर हो गया, ज्यादा डोज हो गया, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका फॉल हो जाएगा, लो बीपी में चले जाएंगे, अगर उसका डोज बहुत ज्यादा मैनेज सही से नहीं दिया गया, या फिर आप किसी दिन सॉल्ट का इंटेक जो है डिसबैलेंस कर लिए और दवाई का डोज उतना ही है, तो क्या होगा, चूंकि आपने सॉल्ट बराबर से नहीं लिया था तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग वाला काम है, कितना सॉल्ट पेशेंट को देना है, कितना डाइटर का डोज रखना है, फिरोसामाइड का कितना डोज रखना है, आपका थायराइड का बैलेंस कितना चल रहा है, और आपको डायबिटीज कितना मेंटेन है। तो ये एक एक्सपर्ट लेवल का डिसीजन है, अगर आपको मल्टीपल डिजीज है, और अगर आपको केवल थायराइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोकोनट वाटर, और अगर बहुत ज्यादा लो है तो आप ओआरएस ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका फ्लूड रिटेन रहेगा बॉडी में, तो जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, तो आपका ब्रेन पे बराबर प्रेशर पहुंचेगा, तो आपको थकान और चक्कर आना और ये कमजोरी फील नहीं होगी, अगर आपको सिर्फ हाइपोथायराइड है तो। और अपना अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो थायराइड फंक्शन काम करने लगेगा, थायराइड लेवल बैलेंस रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंगल बीमारी केवल थायराइड में दिक्कत नहीं है, अगर मल्टीपल है तो फिर मल्टीपल डिजीज के फैक्टर से हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती। जी सर, मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर हम वेदर को चेंज करें, मतलब ठंडी से गर्मी में जाएं या माहौल चेंज करें अपना, तो भी ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। बिल्कुल, आपकी क्या देखिए राय है मैं इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ, अभी मैंने जो बताया था ना, उस बातों पे ध्यान रखिए। मैंने बताया था थायराइड क्या होता है, बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, बीएमआर को। जब आप ठंड जगह में जाएंगे, उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, क्योंकि बाहर कोल्ड है लेकिन बॉडी एक फिक्स टेम्परेचर पे रहती है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने अंदर जो चीजें हैं उसको बर्न करती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। उस समय क्या होता है, आपका थायराइड लेवल अगर कम होगा तो हमारा बॉडी का बीएमआर उतना होगा ही नहीं कि हम कोप अप कर पाए। तो आप देखिएगा जिनका हाइपोथायराइड रहता है उनको ठंड बहुत लगती है, क्यों, क्योंकि बॉडी उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, या वो लोग सुस्त सुस्त से रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बीएमआर उतना नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर में चेंजेस हैं तो हाइपोथायरायडिज्म वाले को प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि उनका बीएमआर जो है उतना हाई नहीं रहता, क्योंकि उनको थायराइड की डेफिशिएंसी है। तो बिल्कुल, आप अगर मौसम चेंज होगा, अगर आप बीमार होंगे, जहां जहां पे बॉडी से एक्सपेक्टेशन की बॉडी काम करेगा, उस चीजों पे आपको हाइपोथायरायडिज्म में दिक्कत आएगी ही आएगी। सर, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मतलब फूड एंड वेजिटेबल से कुछ इसके सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, आपको बस एक चीज समझना पड़ेगा, हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, तो जैसे हमारी पूरे बॉडी को न्यूट्रिशंस और इसकी जरूरत पड़ती है, वैसे थायराइड ग्लैंड को भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम राइट अमाउंट पे वो चीजें खाएं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, तो ऐसा देखा गया है कि जो भी चीजें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, साथ के साथ कुछ स्पाइसेस हैं, उनको लेने से जब हमारा बॉडी बीएमआर बढ़ाता है, तो वो कैसे बढ़ाता है, वो थायराइड के थ्रू ही बढ़ाता है। तो ऐसा देखा, और देखा गया कि ट्रीटमेंट भी है, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिलेट्स देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं देते हैं, जिसके वजह से वो थायराइड फंक्शन नॉर्मल काम करने लगता है। हाँ अच्छा, एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, पेशेंट को जैसे बोलते हैं ना, भाई ये डायबिटीज थायराइड में मदद करता है, तो उसको ये लगता है कि 125 mg मेरा चल रहा है तो 0 हो जाएगा। अगर आपका 125 चल रहा है, अगर वो 75 तक आ जाता है, तो वो भी दिखाता है कि आपके हमने आपके थायराइड को मोटिवेट मतलब स्टिमुलेट कर दिया है, तभी तो आपका डोज आधा हुआ। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपका थायराइड फंक्शन कितना इंप्रूव हुआ। तो जो इनिशियल स्टेजेस के थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनका डायबिटीज, उनका थायराइड का दवाई बंद हो जाता है, और जिनको 125 और 150 और ये 100 चल रहा होता है, उसका डोज कम हो जाता है। तो डोज कम करना ये भी दिखाता है कि आपका थायराइड फंक्शन बढ़ा है, और दवाई बंद हो जाना भी दिखाता है कि थायराइड फंक्शन बढ़ रहा है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना थायराइड का दवाई चल रहा है। तो क्या फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से थायराइड पे असर पड़ता है? डेफिनेटली असर पड़ता है।
और जिनका इनिशियली थायराइड होता है उनका ठीक भी हो जाता है। और कई बार अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के साथ से असर नहीं पड़ रहा है तो फिर अपने को थोड़ा सॉल्ट का कोकोनट वाटर देना पड़ता है, ओआरएस भी देना पड़ता है, ताकि इन मीन वाइल पेशेंट का जो हाइड्रोस्टेटिक या ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल मेंटेन रहे, और पेशेंट जो है जब तक वो फ्रूट वेजिटेबल से कोप अप कर जाएगा उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं खास करके जो थायराइड में हेल्प करते हेलो, हैं। हाँ जी हाँ जी क्या हुआ? आवाज आ रही थी अभी आ रही है, बीच उस में समय? नहीं आ स्टक रही हो थी? आ गई, पूरी आ गई। अभी 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 स्टक हुई थी थोड़ी सी। अच्छा हाँ, अभी वही स्टक हो गई थी। हाँ तो मेरा सवाल ये है सर कि थायराइड के लिए ऐसी कौन सी पर्टिकुलर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिनको खाने से मरीज को राहत मिल सकती है? देखिए, ऐसे जितने भी हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अब इसमें बस ये दिक्कत क्या होता है कि जैसे मैं बोलूंगा सिट्रस फ्रूट है, अब हाइपोथायराइड वाले सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो उसके लिए वो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, है ना, उनको जल्दी से सर्दी खांसी लग जाता है, उनको टाइम एडजस्ट एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इसका इलाज ही सिट्रस फ्रूट्स है और पोमाग्रेनेट है। कुछ कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको लोग कंफ्यूज हैं, जिनको खाने से उनको थायराइड का बीमारी बढ़ जाता है, जैसे एक कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ठीक है, तो लोग साइकोलॉजिकली उनको ऐसा लगता है कि इसको खाने से थायराइड बढ़ जाएगा, तो ठीक है चलो उसको छोड़ के भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं उसको आप ले सकते हैं। जितने भी कलर्ड फूड कलर वाले वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे वो कैप्सिकम हो, चाहे वो चुकंदर हो, ठीक है, चाहे वो रेड अनियन हो, तो जिन जिन चीजों में कलर है तो वो जो लाइकोपीन है वही एक्चुअली में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और वही हमारी बीएमआर को, बॉडी के मैकेनिज्म को, बीएमआर को बढ़ाने में मदद करता है। और बहुत सारी स्पाइसेस हैं जो जिसको बोलते हैं ना, ये इसको लेने से गर्म होता है, जिसको हमारे यहाँ बहुत सारे आयुर्वेद बोलते हैं ना, ये गर्म है ठंडा, तो जो गर्म वाले जो स्पाइसेस है जनरली वो क्या करते हैं, थायराइड पे काम करते हैं, इसलिए आपको वो ठंड जो है वो दूर भगाता है, वो थायराइड के स्टिमुलेशन से ही होता है। तो कुछ कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जिसको हम लोग देख के पेशेंट को दे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा पेशेंट को कौन सा सूट करता है, हर पेशेंट को हर गर्म चीज सूट नहीं करता, नहीं तो फिर उन लोगों को अल्सर होने लगता है। तो स्पाइसेस तो पेशेंट ही स्पेसिफिक है, बाकी जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं खास करके सिट्रस वाले, उनको शुरू शुरू लेने में दिक्कत होती है, लेकिन देर सवेर वो लोग उसको लेना चालू कर देते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, खास करके जिनको ठंड बहुत लगती है उनको शुरू शुरू में सिट्रस उनको लेने में दिक्कत होती है, फिर बाद में जब सिट्रस लेने लगते हैं तो उनको सिट्रस फ्रूट भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, और उनका ये जो जो सिनोफीलिया और सर्दी और ये लो हाइपोथायराइड वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। माइक बंद है? जी मैं उम्मीद करती हूँ सर कि जितने भी अभी इनिशियल स्टेज पर थायराइड डायग्नोस हुए हैं वो लोग सेल्फ जो है अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इन स्पेसिफिक वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को छोड़ करके, क्योंकि स्पाइसेस आपने बोला स्पेसिफिक हैं, हर पेशेंट पे अलग-अलग जो है वो उनको सूट करने का होता है, तो स्पाइसेस तो पेशेंट्स को अपने आप खुद ही ट्राई करना पड़ेगा कौन कौन से स्पाइसेस उन पे सूट करते हैं। जितने भी गर्म मसाले हैं वो सारे थायराइड के लिए अच्छे हैं। तो जी इनिशियल स्टेज पर कोई भी थायराइड का पेशेंट अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है और काफी टाइम से है, बहुत हाई आ रहा है, तो फिर तो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज खुद से ये पॉसिबल नहीं हो और पाएगा। मैं एक चीज और बता देता हूँ, लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे पेशेंट मेरे अंदर थायराइड के हैं, तो पहले क्या होता था, थायराइड नॉन ट्रीटेबल डिजीज भी, मतलब इसको आजीवन आपको दवाई खाना, जी लेकिन बिल्कुल आपको जी ट्रीटमेंट है ना, तो इसका आपको एक डेफिनेशन समझना पड़ेगा, आजीवन दवाई खाना और आजीवन बहुत ज्यादा डोज में दवाई खाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे कुछ पेशेंट मेरे हैं जो 150 डोज पे स्टार्ट हुए थे, अभी उनका डोज 50 रह गया, फिर बोलते सर अभी तो बंद नहीं हुआ, अभी तो ठीक ही नहीं हुए, मतलब उन लोग इसकी भी ये भी नहीं समझते कि भाई 100 से आपका 50 आ गया, 150 चल रहा था, अब 50 का डोज चल रहा है, तो इट मीन्स आप में हुआ है, 100% जीरो हो जाएगा इसका, ये तो डिपेंड करेगा पेशेंट पेशेंट पे। इनफैक्ट 50 हो गया, 50 मिलीग्राम तक भी आप आ गए तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, हो सकता है जीरो कभी ना हो सकता है 2-3 साल बाद हो, तो ये समझना पड़ेगा ट्रीटमेंट का डेफिनेशन पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल दवाई बंद हो जाना ही ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई का डोज आधा हो जाना, उसी डोज पे कंटिन्यू आगे ना बढ़ने देना भी ट्रीटमेंट है, डोज आधा हो जाना भी ट्रीटमेंट है, और उसी डोज पे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना भी ट्रीटमेंट है। तो मैं बताया ना, अभी आज के दौर में बहुत लोग मोटिवेटेड है और लोग ओवर एक्सपेक्टेशन तक पहुंच गए, मतलब पहले लोग बिलीव भी नहीं करते थे, अब लोग ओवर बिलीव भी करने लगे हैं,
तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन जो ओवर बिलीव कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपका डोज आधा हो गया है, कम हो गया है, ये भी ट्रीटमेंट है। अगर उतना भी कंसिस्टेंट रहेगा तो वो भी ट्रीटमेंट की कैटेगरी में ही आता है। मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे पेशेंट हमारी कंसल्टेशन, मान लीजिए किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी का हम इलाज के चालू किए, ठीक है, कई बार क्या होता है अलग अलग बीमारियों का सिम्टम एक जैसा दिखता है, ठीक है, जैसे कि इसको पेट दर्द है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये गैस्ट्राइटिस की वजह से पेट दर्द है कि उसको गाल स्टोन में प्रॉब्लम है उसके वजह से, या उसको गायनिक प्रॉब्लम है उसके वजह से, ठीक है। तो कई बार उसके सिम्टम ऐसे लगते हैं जैसे मान लो शायद पेट दर्द के होगा, तो आपने गैस्ट्राइटिस का इलाज करना चालू किया, गैस्ट्राइटिस ठीक भी होगा, लेकिन हो सकता है कुछ पेन है जो गैस्ट्राइटिस के वजह से ना हो, दूसरे वजह से पेन हो, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आपको ये कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि सर शायद हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हम गैस्ट्राइटिस का इलाज किए तो गैस्ट्राइटिस वाले सिम्टम अगर ठीक हो गए, वो ठीक नहीं हुआ तो ये दिखाता है कि ये गैस्ट्राइटिस के वजह से नहीं था, ये किसी और बीमारी का है, तो मतलब अभी डायग्नोसिस की और ज्यादा जरूरत है। तो ये भी आपको एक समझना पड़ेगा, मल्टीपल डिजीज जब होते हैं तो एक एक करके जब डिजीज ठीक होनी चालू होती है तो कई बार मिक्स सिम्टम्स आते हैं, दो दो बीमारियों का एक जैसा सिम्टम है, तो अगर एक बीमारी ठीक हो गई दूसरा वाला सिम्टम नहीं गया, इसका मतलब ये है, दिखाता है कि आपको कुछ और बीमारी का भी अभी इलाज करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो बीमारी अभी आपको डायग्नोस नहीं हुई। भाई अभी तो जब आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे तो उनके हिसाब से तो ट्रीटमेंट था नहीं ना, तो हम तो अगर आधा भी ठीक कर रहे हैं स्टिल वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं, एक्चुअली आप डैमेज, फर्दर डैमेज होने से बचा रहे हैं बॉडी को, बच रहे जो हैं, फर्दर बिल्कुल डैमेज हो सकता था उससे बचा बच गई बॉडी, और वो फिर हीलिंग प्रोसेस में जा रही है, तो टाइम तो लगता ही है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, और मैं उम्मीद करती हूँ लोगों को रियली में इससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा, और सेल्फ अगर वो हील करना चाहते हैं खुद को तो उसमें भी उनको काफी सारी गाइडेंस आपसे मिल गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू एवरीवन। और अब वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी, और आपकी जो बहुत सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग हैं जो थोड़ा गैप हो गया था, उसको हम लोग जो हमारी शेड्यूल्ड वीडियोस थी वो अभी कंटिन्यूअस आएंगी, तो आप चैनल पे बने रहिए और अपना बीमारी का इलाज और अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहिए।